हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जयदीप। आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो कि मुझे लगा क्लियर करना चाहिए आप सभी के साथ। और जैसे आप सभी को मालूम है, और मैं आपकी क्लियरेंस के लिए बता देता हूँ, जैसे कि हम जो है रजिस्टर्ड मेंबर हैं पेट एसोसिएशन के पंजाब के, तो हमें जो है ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से लगा लो, या हमें इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि जो भी आप पेट ले रहे हो इस टाइम, वो आपने जो लेना है 45 डेज से नीचे नहीं लेना है फ्रेंड। अगर कोई लेता है या कोई सेल करता है तो उसके अगेंस्ट जो है आप FIR करवा सकते हो। ये जो नए रूल्स आए हैं उसके अंडर आता है। वैसे भी ये काफ़ी टाइम से इस पे चल रहा था। और दूसरा क्या कि अगर आपने हमसे कोई डॉग लेना है, सपोज टू बी मेरे से या किसी से भी, तो आपको एक स्टैम्प पेपर दिया जाएगा जिसके बीच में आपने प्रॉपर लिख कर बताना है हमें कि कैसे आप, मतलब हर चीज़ आपको वो बताया जाएगा, और उसके अधीन ही आप डॉग ले सकते हो। एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि 45 डेज से नीचे का डॉग मत लीजिए आज के टाइम में। अगर लेते हो तो दोनों के लिए प्रॉब्लम है, कस्टमर के लिए भी और ब्रीडर के लिए भी। एंड थर्ड जो बात करते हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैं आज आपको एडवांटेज बताता हूँ। अगर 45 डेज़ पे, जैसे आप सभी को पता है कि जो डॉग है वो वैक्सीनेशन लग जाता है, फर्स्ट वैक्सीनेशन हो जाता है 7-in-1 या 9-in-1 जो भी है आपके वहाँ पर अवेलेबल, वो लग जाता है। उसके उससे क्या है कि 90% डॉग की जो बचपन में जो केयर के टाइम में प्रॉब्लम होती है, या बहुत सारे लोग हैं या कुछ लोग जो इन छोटे बच्चे बेच रहे हैं आज के टाइम में, काफ़ी आप सभी को पता है, मेरे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड बच्चे बीमार जल्दी हो जाते हैं क्योंकि जो नए ओनर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि कैसे केयर करनी है, सो इसलिए वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, समटाइम डॉग की डेथ तक हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 45 डेज तक का बच्चा लीजिए, या इससे ऊपर ही लीजिए, इससे नीचे नहीं लेना फ्रेंड। और थर्ड हम जो बात करते हैं कि पार्वो वायरस, जैसे पिछले कुछ समय से पार्वो की बहुत सारी जो है कंप्लेंट्स, नहीं मैं बोलूँगा कि बीमारी के बारे में पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डॉग्स को हो रही है। इसका रीज़न क्या होता है कि एक तो मैं बोल ये भी बता सकता हूँ कि जब मौसम चेंज होता है उसके कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो वायरस काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। जैसे जब सर्दियों का मौसम है, जब उस सर्दियों के बाद गर्मी आती है या गर्मियों के बाद सर्दी आती है, इन दिनों में जो है मौसम का टेम्परेचर कभी भी सिमिलर नहीं रहता है। जैसे सुबह सर्दी होगी, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, दोपहर को गर्मी होगी, तो उससे क्या होता है कि जो वायरस है वो एक्टिव रहते हैं, और उसके कारण जो है पार्वो का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आप 45 डेज से ऊपर का डॉग लेते हो तो आपका डॉग, मैं ये नहीं बोलूँगा, एटलीस्ट 60% तक चांसेस है कि आपके डॉग को वायरस ना हो, ठीक है जी। उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं 45 डेज का डॉग लेने का, ये होता है कि एक आपको क्वालिटी तो पता लगेगा, इसके अलावा आपको ये भी पता चल सकता है कि आपका डॉग कितना हेल्थी है। अगर आप बच्चा लेते हो, क्योंकि पीछे लॉकडाउन में मैंने काफ़ी देखा है कि लोगों ने वो 20-25 दिनों के डॉग काफ़ी सेल हुए हैं, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई थी जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई कस्टमर के बीच में और ब्रीडर्स के बीच में। सो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी डॉग सेल करना चाहता है तो 45 डेज से नीचे मत कीजिए। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ कुछ पार्वो वायरस पे। पार्वो वायरस जो है एक वायरस है, काफ़ी एक्टिव रहता है इन दिनों में। एक्चुअली उसकी कई सारे रीज़न है, सपोज टू भी अगर आपने कोई 45 डेज से नीचे डॉग लिया या बच्चा उठाया 20-25 दिन का, तो उसमें क्या है कि जो डॉग को इंजेक्शन नहीं लगा होता है बीमारियों वाला, जिससे ये वायरस एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के कारण क्या होता है कि ये, जैसे सपोज टू भी आपके कोई भी नियर बाय डॉग हो इसके, लाइक कोई स्ट्रीट डॉग का वायरस हुआ है, या आपके कोई पुराने डॉग में लगा लो, या आपका कोई फैमिली फ्रेंड है, या कोई आपका फ्रेंड है जो आपके पास आता है उसके डॉग का वायरस हुआ है, तो अगर उसने आपके डॉग को टच कर दिया, या आपका डॉग कोई स्ट्रीट डॉग के पास, या स्ट्रीट डॉग आपके घर के पास रहता है, तो
उससे क्या है कि वो वायरस बहुत जल्दी आपके डॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे आपके डॉग को पार्वो वायरस होता है। सो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जितना हो सके इससे बचिए, मैं ये बोलूँगा। इसका अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। अगर फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि ड्रिप वगैरह लगती है, और ये ड्रिप जो आपके नियर बाय डॉक्टर है उनसे लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपके डॉग के स्टमक में इन्फेक्शन है या उसके टॉयलेट में ब्लड आ रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके नियर बाय डॉक्टर है जो, उसको पास लेकर जाइए। फर्स्ट एड में क्या होता है कि सिर्फ आप एक खाना उसको जो दे रहे हो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपके डॉग का स्टमक इन्फेक्शन है तो आप उसका खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अगर देना है थोड़ा बहुत लाइट खाना दे सकते हो जैसे कर्ड वगैरह, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ही लेकर जाइए, वो सबसे बढ़िया सलूशन है। इसके अलावा पार्वो वायरस का और कोई सलूशन नहीं है। जो मर्जी कोई भी कुछ भी बोलता रहे, इसका कोई सलूशन नहीं है। और जो सड़क साफ लोगों से बचिए, मैं यही कहूँगा। और अगर कोई ऐसा बंदा देता है आपको, डॉग देता है कोई भी हो, तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट उसमें क्या है कि ये आपकी समझदारी है, क्योंकि हमारा काम है समझाना आपको। अगर कोई गलती होती है तो उसमें के लिए आप भी ज़िम्मेवार हो, क्योंकि आजकल सभी एजुकेटेड हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग सभी पढ़े लिखे हैं, सभी आजकल सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा है कि जितनी जानकारी हो सके आप लीजिए। एंड जो मैं ये लास्ट में कहूँगा कि हर बार ब्रीडर की गलती नहीं होती है, आपकी भी गलती होती है। सो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। सो थैंक यू।